हेलो माय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट क्यूब में स्वागत है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, मतलब एक जून में जो हुआ था और एक फिर री एग्ज़ाम जो हुआ है 31 तारीख को। तो बात करेंगे इन दोनों डेज़ के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में और आंसर की कब तक आ जाएगी या कट ऑफ कब क्या जा सकती है और रिजल्ट कब तक आ सकता है, अब आगे क्या करना चाहिए। क्या करता हूँ तो चलिए, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। देखिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है करंट क्यूबो के नाम से, उसको भी ज्वाइन करें। वहाँ पे पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आप लोगों को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो, कोई चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स पहले मिलते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आइए देखते हैं बैठे बुलाया। हाँ देखिए, 22 जून की बात करें तो 22 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लोग जो बता रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग आपसे बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं आज इसको हम आप लोगों को उन लोगों के हिसाब से बता रहे हैं जो लोग उस दिन एग्ज़ाम दिए थे। तो देखिए, 22 जून को जो पेपर दिए थे उनका कहना है कि कंप्यूटर का सेक्शन जो आया था वो 35 से 40 क्वेश्चन करने लायक था और अदर सेक्शन जो थे वो आपके 120 से 130 क्वेश्चन जो है आराम से हो जाते थे। तो आपका यहाँ पे टोटल 155 टू 170 क्वेश्चन आपके हो सकते थे। तो उन लोगों के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ था ये तो मुझे पता नहीं फ़िलहाल। देखिए, 31 जुलाई की बात करें तो 31 जुलाई को जो पेपर हुआ है उसमें लोग बता रहे हैं कि कहें वो 30 से 35 गुड अटेम्प्ट थे और जो अदर सेक्शन थे वो 100 से 110 यानी 130 से लेकर के 145 तक लोग बता रहे हैं, इतने क्वेश्चन हम कर लिए आसानी से। तो देखिए एक YouTube चैनल पे हमारी पोलिंग कराई गई थी जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, ये देखिए, पोलिंग में लिखा गया था कि यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंट में ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन मतलब हुए या कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो 54% लोगों ने कहा है 120 से लेकर के 130 क्वेश्चन और इसमें आपका कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है। और 130 से 140 के बीच में 10% लोग हैं, 140 से 150 लोग क्वेश्चन के बीच में 11% लोग हैं, 150 से 160 के बीच में 11% लोग हैं। तो देखिए, ये टोटल जो हैं और 170 प्लस भी करने वाले हैं 14% लोग। अब ये कौन है, कहां से आते हैं, ये मुझे नहीं पता है कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। अब ये 83 वोट्स टोटल हैं तो इस 83 वोट्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। देखिए, जितने हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं उनमें से जो यूपी पीसीएल की तैयारी करने वाले हैं उन्हीं लोगों का ये आंकड़ा है, ठीक है। तो बात करें 120 से 130 हमारे इस पोल पे ज़्यादा रिजल्ट आया है तो उसी को हम अगर मतलब मान के चलें, जैसे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं 120 से 130 क्वेश्चन करके आए। कुछ लोग कह रहे थे कि एक महीने का टाइम मिल गया और इसमें जो है कि पढ़ा नहीं ध्यान से या फिर जो पढ़ा था वो भी भूल गया, बैठ गए थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, मतलब तमाम एक्सक्यूजेज हैं, इसलिए उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, जो लोग तैयारी कर रहे थे वो लोग भी कह रहे हैं, उनका भी कहना है कि एग्ज़ाम का लेवल जो था वो 31 तारीख वाला टफ था, 22 जून और 23 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका लेवल आसान था लेकिन 31 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल टफ था। ये तो सभी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, तो बात करें आगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए, कट ऑफ जो है ना वो ये मेरे अकॉर्डिंग है। अब आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या व्यू है, आप अपने व्यू को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, भड़ास निकाल सकते हैं,
यूपीपीसीएल वालों के खिलाफ, किसी के खिलाफ, आप कमेंट बॉक्स में आए, आराम से जो लिखना है लिखें। देखिए बात करें जनरल की, तो जनरल की अगर दोनों देश के एग्जाम को मिला के बात करें तो 100 से 110 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली आंकड़ा यह नहीं है, लेकिन 100 से 110 के बीच में कट ऑफ रहेगी। वैसे मुझे जहां तक मेरा अनुमान है इसके नीचे ही कट ऑफ रहना चाहिए, क्योंकि 31 तारीख को जो था वो एग्जाम कठिन हुआ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 95 से 105 के बीच में रहेगा, ज़्यादा जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में फ़र्क नहीं रहेगा। ओबीसी की बात करें तो ये भी 90 से 100 के बीच में रहेगा। एससी एसटी की बात करें तो ये 50 से 60 के बीच में रहने वाला है कट ऑफ। प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो उसमें जो है 83 नंबर कट ऑफ जनरल का गया था, 73 नंबर कट ऑफ आपका ईडब्ल्यूएस का गया था, ऐसे ही कट ऑफ गए थे। तो पिछली बार जो था वो लेवल जो था हार्ड था और कंपटीशन वाले बच्चे कम थे, लेकिन और पोस्ट भी शायद 240 पोस्ट था। अब की बार भी ऐसे ही कुछ पोस्ट है, 239 या कुछ ऐसे पोस्ट हैं। तो देखिए कंपटीशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे आगे आते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा मतलब अपने जितनी उनकी क्या कहते हैं उसको सामर्थ्य शक्ति है, जितनी उनकी पोटेंशियल है, जितने पोटेंशियल पावर इतना है उसके हिसाब से वो पढ़ रहे हैं। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो और ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, तो जो पुराने हैं उनके अंदर तो एक डिप्रेशन है और एक मतलब डिमोरलाइज हो गए हैं कि अभी तक नौकरी नहीं मिली, इस हिसाब से वो वैसे भी उनका नंबर जो है कम हो जाता है। और जो नए बच्चे आते हैं उनके अंदर नया खून रहता है, नया मतलब पढ़ाई का जज्बा रहता है, तो उस हिसाब से वो कट ऑफ बढ़ा भी सकते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो लोगों के हिसाब से जो लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख वालों को फ़ायदा होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मली होता क्या है कि जिस शिफ्ट का आयोग के हिसाब से जिस शिफ्ट का पेपर टफ आया है उन लोगों का नंबर बढ़ा देंगे, और जिन शिफ्ट के लोगों का पेपर आसान आया है, इजी आया है, उनका वो मार्क्स जो है वो कम कर देंगे। अब कितना कम करेंगे या कितना बढ़ाएंगे ये नहीं पता है, उन लोगों के हिसाब से जितना होगा वो अपना करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन से किसे फ़ायदा होगा ये नहीं कहा जा सकता है। अगर 31 तारीख वालों को कठिन लग रहा है पेपर तो उससे कोई मतलब नहीं है, या 22 वालों को लग रहा है कि उनका पेपर कठिन था तो उनसे कोई मतलब नहीं। देखिए अब आयोग को क्या लग रहा है, आयोग के हिसाब से क्या है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन से ऑब्वियस सी बात है किसी को तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो एक अपने अंदर से मतलब वो जो होता है ना कि मोटिवेशन मत ख़त्म करिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या मेरा नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ेगा नहीं घट जाएगा, या कुछ मतलब अपने दिमाग में फितूर फालतू की चीज़ें मत लाइए, बस ध्यान दीजिए। नहीं पहले देख लेते हैं आंसर की कब आएगी। तो आंसर की जो है जैसे 23 तारीख को एग्ज़ाम जो हुआ था उसके 23 तारीख के मतलब नेक्स्ट वीक ही आंसर की आ गई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कह सकते हैं कि जो 31 तारीख को पेपर हुआ है उसका आंसर की 7 अगस्त के पहले आ जाएगा। कब तक? 7 अगस्त तक, या 7 अगस्त के पहले ही आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। और बात करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट भी इसका ज़्यादा देर करते नहीं हैं यूपीपीसीएल आयोग वाले। देखिए अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का हुआ था पिछले साल पेपर, तो नवंबर में पेपर हुआ था और जनवरी में इनका रिजल्ट आ गया था। तो बात करें इसके पेपर को, तो इसमें थोड़ा देर हुआ है री एग्ज़ाम की वजह से, तो इनका भी ज़्यादा देर नहीं होगा, मुश्किल से एक महीने या दो महीने मतलब अगस्त लास्ट तक या सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो कोई टेंशन का विषय नहीं है कि कब तक रिजल्ट आएगा, जब भी आएगा आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव रहिए कि हाँ मुझे अब की बार यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट बनना है, तय है, मैं नहीं मानता, कुछ गलत नहीं सोचना है, बस मान के चलिए आपका पेपर निकला हुआ है। और बात करें कि अब आगे क्या करना है, तो मैं पहले एक और आपको आंकड़ा दिखा दूँ।
देखिए ये मैं अपने यूट्यूब पे ही कम्युनिटी पोस्ट में टैग किया था ये चीज़ कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम किस चीज़ का है। तो 48% लोग कह रहे हैं ईएमआरएस अकाउंटेंट का है। तो अभी देखिए आपका अकाउंटेंट का एग्ज़ाम फिर से आने वाला है, अभी आपने एक असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दिया है और ईएमआरएस का जो सिलेबस है असिस्टेंट अकाउंटेंट सिलेबस से मेरे ख्याल से 90-99% जो है वो मिल रहा है, मैच कर रहा है। बस इसमें यह है कि कंप्यूटर आपको मतलब कंपलसरी नहीं है कि 25 नंबर लाना ही है, इसके नंबर आपके कंप्यूटर के असिस्टेंट अकाउंट में ऐड नहीं होते थे, इसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर को लाइटली मत लीजिएगा और बाकी की चीज़ें जो हैं उनको भी पढ़िए। तो अभी क्या है कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए, इसका जो हुआ वो जाने दीजिए, अच्छा हुआ बुरा हुआ आगे क्या होगा वो सब छोड़िए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो आगे आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है जिनका ये ईएमआरएस का है वो उस पर ध्यान दें, पेट पे और एसएससी स्टेनोग्राफर वाले अपने एसएससी स्टेनोग्राफर पे ध्यान दें, बाकी जो अदर्स एग्ज़ाम वाले हैं वो उस पर ध्यान दें। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि ये जो चला गया एग्ज़ाम 31 को ये कैसा हुआ, कितने क्वेश्चंस हुए, कितने क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बस चुपचाप बैठ जाइए और रिजल्ट का वेट करिए, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा आपका अगस्त लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब मेरे चैनल पे ईएमआरएस अकाउंटेंट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो धड़ाधड़ आने वाली हैं, क्योंकि पूरी तैयारी पूरा जोर अब उसी पे रहेगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जय हिंद दोस्तों। देखिए करते हैं मोहब्बत इनसे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है नहीं, ये हम यहाँ पे क्या